भिंड पुलिस को 2 साल पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर अनिल अग्निहोत्री हत्याकांड का भिंड पुलिस अधीक्षक ने बड़ा खुलासा किया। 19 सितंबर 2019 को मिहोना थाना अंतर्गत राजघाट पुलिया के नीचे लाश मिली थी, जो कि शिक्षक अनिल अग्निहोत्री की थी। वहीं बताया गया कि लूट के उद्देश्य से यह हत्या की गई, जहां से आरोपी मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट कर चले गए। पुलिस ने लूटे गए सामान बरामद किए। वहीं आरोपी भिंड चतुर्वेदी नगर व एक बिलाव गांव का निवासी है। आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। भिंड से दीपेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। उसके बाद आसिफ ने चर्चा की गई, सामने बताया कि उसका मोबाइल गया था, तो साइबर से चर्चा करी है आप लोग, साइबर से चर्चा की गई तो उस मोबाइल को सर्च कराया तो ग्राम बिलाव जो उमरी में है वहाँ राहुल जाटव के द्वारा चलाना पता उसमें आया, और जब उसे संपर्क किया तो वो बॉम्बे में काम करता है, वहीं रहता है। उसने कहा मैं वहाँ हूँ। संपर्क किया, कैसे मिला? बोले मुझे मेरे घर के पीछे झाड़ियों में मिला था, तो उसको लेके आया, तो लेके आ गया। उससे पूछताछ की तो विवेचना वहाँ फिर रुक गई कि ये आखिर आया कैसे। फिर साहब से सलाह हुई हमारी पूरी टीम की, तो सामने कहा कि अब आप लोग जहाँ मोबाइल मिला है उस मोहल्ले में उन लोगों को देखो जो इस प्रवृत्ति के हों, क्योंकि यहाँ एक बेड एंड पर आ चुका था। मोबाइल मिला तो उसमें तो बहुत खुश हो गए। हाँ कि भाई मर्डर के दौरान मोबाइल लूटा गया था, मोबाइल मिल गया है, और वो राहुल जाटव उसको यूज कर रहा है, तो हम लोग सोचे कि अब तो मर्डर खुल गया। हाँ। लेकिन इसने जब उसको मुंबई से बुलाया गया, उससे बातचीत की गई और देखा गया तो डेड एंड आ गया, क्योंकि वास्तव में उसने जो बात बताई थी सही थी कि मोबाइल उसके खेत के पीछे मिला था और खराब स्थिति में था, तो उसने उसको रिपेयर करके यूज करना शुरू कर दिया। और फिर राहुल का पूरा पता किया गया तो उसका कहीं से कोई रिलेशन नहीं था, चिन्हित करो। तो कर 20 लोगों को चिन्हित किया, उनसे पूछताछ हुई तो 20 में से केवल प्रदीप का रिश्ता वहां निकला, घटना स्थल के पास गांव बड़ोखरी है। साहब को बताया, साहब ने किया बड़ोखरी को आप चिन्हित करो और बड़ोखरी से शुरुआत करो। जहाँ मर्डर हुआ उसे कितनी दूर है? 2 किलोमीटर करीब है। 2 किलोमीटर जहाँ मिहोना में मर्डर हुआ था उससे 2 किलोमीटर दूर एक गांव का थोड़ा सा रिलेशन मिला है, यहाँ मिला मिला तो बड़ोखरी में घूम फिर के लगे रहे करीब 8-10 दिन। पता चला कि राजू है, राजू की ससुराल बिलाव में है, जो प्रदीप जो आरोपी में निकला है प्रदीप के यहाँ, तो प्रदीप की तलाश की गई। पता चला कि प्रदीप ने फांसी लगा ली 1 साल पहले। तो फिर जो आशा लगी थी कि बिलाव में मोबाइल मिला है प्रदीप मिल जाएगा, फिर स्टॉप हो गई विवेचना। फिर साहब से मिले, साहब ने कहा वैसा कर बिलाव में उसके जीजा से शुरुआत करो आप लोग। तो उसके जीजा का नाम राजू है बिलाव में, राजू दोहरे, उससे पूछताछ शुरू की गई। तो उसने पूरी घटना बताई कि मेरा साला प्रदीप और कमलेश दोहरे जो गली नंबर 4 में चतुर्वेदी नगर में रहता है, मेरे साड़ू का लड़का है, कमलेश मेरा साला था, सॉरी प्रदीप, ये दोनों रात में घटना की रात 19/9/19 को करीब 12 बजे एक बाइक लेके आए कि हम ऐसे ऐसे उससे लूट करके लाए हैं और उसकी हत्या पुलिया के नीचे करके छुपाया है। उसने उनको ज्ञान दिया कि यहाँ पुलिस आ सकती है, घटना स्थल के पास है, तो रात में ही वो भगे वहाँ से बिलाव पहुँचते हैं। बिलाव में उनने कहा मोबाइल क्या करें, मोबाइल पकड़वा देगा, तो उसको उनने अच्छे से कचरा और राहुल जाटव के घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया इसके तरफ, और बाइक लेके ये आ गए भिंड। भिंड से निकल के लार थे, वो भी आ रहे थे सामने के रास्ते में, वो भी दारू पिए थे, हम भी तो हम गाड़ी रोके हुए थे, हाथ दिए पेट्रोल दे दिए, रोके थोड़ा चटपट हुए, मामा से हमारे साथ में लड़का था चटपट हुए, दारू नशा था, उन्होंने हमारा गला पकड़ा पड़ गया, तो मामा उनका हत्था पाई कर लिया, तो गला पकड़ा तो फट गया, तो उठाया उनको तो उन्हें पड़ गया, सर में लगा तो खजूर के थोड़ा नीचे डाला, ठंडा दो बार उठाया, हमारे का जो सामान था ठंडा पटक के मारा, हाँ दो बार ठंडा पड़ गया, साथ में मामा था हमारे, खत्म हो गया ठंडा पटक के, ऊपर आ गया, बोला चल चलिए अपना लग गया, तो
वाला अभी थोड़ा लगा था, तो बोला निकलो दर्द अभी हादसा बड़ा हो गया। हम लोग जिधर लारकिन लग रहे बड़ोगरी उनके पास में, इनको बड़ोगरी बोला इधर क्या ऐसा हादसा हो गया हमारे पास, लगा था निकलो तुम क्या मेरे ऐसा करके हमारे घर पे। तो हम लोग घर थी भिंड आ गया वापस। तो इतने दिनों से आप पुलिस गिरफ्त से दूर रहे थे, क्या लग रहा था कि पकड़े नहीं जाओगे? जब कोई गलती हमारे मोबाइल था वहाँ खत्म हो गया था। अच्छा, कुछ नहीं, मोबाइल था, गाड़ी थी, छाना उठी थी, मोबाइल पास था, बेचा मेरे 5,000 रुपये दिया, जो कुछ बेचा क्या किया 5,000 रुपये दिया। 5,000 आपको मिले थे? पैसा दिया, गाड़ी थी, गाड़ी फकवा दी, भिंड ले गया हमारे घर पे, तो गाड़ी हमारे पापा मिली, गाड़ी फकवा दी। लूट करने का इरादा इधर क्या क्या इरादा था लूट करने का?